हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। और आज है 17 जून और आज भी हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर। चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या देखने वाले हैं, तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्यों रहा है न्यूज़ में, तो देखिए इंडिया ने अभी रिसेंटली इसे ज्वाइन किया है एज अ फाउंडिंग मेंबर। इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस अलायंस को ज्वाइन किया है जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो अलायंस है वो करेगा क्या, तो वो देखिए जो AI का जो यूज़ है उसको ये रेगुलेशन का काम करेगा, उसमें रिसर्च का काम करेगा, और जो भी उसके कारण जो भी ह्यूमन राइट का वायलेशन या ऐसा कुछ चीज़ें हैं तो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया का इसको ज्वाइन करने से इंडिया को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो देखिए इंडिया के अंदर AI का इस एसोसिएशन के कारण इंडिया के अंदर AI का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो AI के अंदर पे हम बाकी देशों से रिसर्च भी बोरो कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या फिर इस अलायंस के थ्रू। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखिए इसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर GPAI। इसका एम क्या है, मेन एम जो है इसका वो इंश्योर करना है कि जो AI का यूज़ है वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो और ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना करता हो। मतलब कोई भी कहीं पे भी जो भी यूज़ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ह्यूमन राइट को वायलेट ना करता हो और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अंतर्गत इसका यूज़ हो। तो ये तीन चीज़ों का इसको इंश्योर करने का इसका एम है। अगला हम देखते हैं कि इसका जो गवर्नेंस बॉडीज़ हैं वो क्या क्या है, तो देखिए तीन चीज़ों से बना है ये। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर कंसिस्टिंग ऑफ अ काउंसिल, एक काउंसिल है, एक स्टीयरिंग कमिटी है, और लास्ट में एक सेक्रेटेरिएट है, जो कि अभी जब तक मतलब कि इसके बारे में इसका पूरा स्ट्रक्चर पक्का नहीं हो जाता तब तक ये जो इसका सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ रहेगा, वो OECD पेरिस में ही रहेगा। इसके फाउंडिंग मेंबर्स की हम बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, द UK एंड US, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। मतलब इनसे मिलकर ये अभी अभी बना है, ये ज़्यादा पुराना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या पुराना अलायंस नहीं है, ये अभी अभी बना है। चलिए हम इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। तो ये देखिए ये सबसे पहला ऐसा AI के फील्ड में ऐसा इनिशिएटिव है कि जहाँ पर इतनी सारी कंट्रीज मिलकर AI का रिसर्च वर्क या AI के डेवलपमेंट में काम करेंगी मिलजुल कर। तो मेनली ये क्या है, एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट्स को क्या करेगा, गवर्नमेंट्स को रिकमेंडेशंस देगा ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में AI के द्वारा जो हो रहे हैं, या फिर AI का डेवलपमेंट के बारे में गाइड करेगा। तो AI से जितना भी रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगा वो इसके थ्रू होगा, या जो भी रिसर्च वर्क है वो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा। इसका सेक्रेटेरिएट अभी मैंने बताया आपको कहाँ पर है, तो वो OECD के अभी होस्ट कर रहा है इसका सेक्रेटेरिएट, जो कि पेरिस में है, और इसके दो सेंटर भी हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टाइज हैं, जो कि एक है मॉन्ट्रियल में और एक है पेरिस में। तो ये आपको याद रखना है कि इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो अभी पेरिस में है। और ये क्या चीज़ है, तो ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो कि जो डेवलपमेंट होना है AI में या जो यूज होना है AI का वो उसको कंट्रोल करेगा। चलिए हम अगला देखते हैं। देखिए अब इसके बारे में क्या है कि ये वर्क कैसे करेगा, तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, ये एक ब्रिज का काम करेगा थ्योरी और प्रैक्टिकल में, जो AI से रिलेटेड जो थ्योरी है और प्रैक्टिकल्स है उनके बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। मतलब जो भी थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करने के लिए इसके थ्रू रिसर्च के वगैरह के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाएगा। तो प्रैक्टिकलिटी जो AI की जो प्रैक्टिकलिटी है उस पर वर्क करेगा ये। अगला देखते हैं, तो अगला क्या करने वाला है, तो ये अगला क्या करेगा, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या सिविल सोसाइटीज़ या गवर्नमेंट्स या एकेडमिया हैं उन सभी को एक्सपर्ट्स देगा इस AI के फील्ड में या इस AI सेक्टर में, उन सभी को कोलेबोरेशन करवाएगा। जितनी भी इंडस्ट्रीज में जो भी एक्सपर्ट्स हैं, मेन एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उन सभी के बीच में ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा, इसके द्वारा एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि जो AI का डेवलपमेंट है हर फील्ड में वो अच्छा हो सके। अगला क्या करेगा, तो देखिए अगला जो है तो COVID-19 से लड़ने के लिए भी जो AI टेक्नोलॉजीज डेवलप्स हो रही हैं अलग अलग नेशंस में उनका भी कम्युनिकेशन का काम करेगा। मतलब जैसे कोई भी AI की जो टेक्नोलॉजी है वो COVID-19 से लड़ने के लिए अच्छी है और किसी एक कंट्री में यूज़ हो रही तो वो दूसरी कंट्री तक उसे पहुंचाएगा। तो ये काम है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चलिए हम अगला देखते हैं। अगली न्यूज़ हमारे पास द ईयर बुक असेसेस द करेंट
स्टेट ऑफ आर्मामेंट्स डिसआर्मामेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी बाय सिप्री। तो सिप्री के द्वारा ये एक असेसमेंट रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें जो भी कंट्रीज हैं सबके न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। चलिए हम इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया और उसके नेबरहुड के बारे में देखते हैं हम सबसे पहले कि उनके उनसे रिलेटेड इस रिपोर्ट में क्या दिया है या इस असेसमेंट में क्या दिया है। तो देखिए जो भी इंडिया और उसके नेबरहुड है यानी कि इंडिया या चाइना हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन्स है या न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बढ़े हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि जो चाइना है तो वो लास्ट ईयर उसके पास 290 वॉरहेड्स थे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, जो कि इस साल बढ़कर हो गए 320। इसका मतलब है 30 वॉरहेड का, न्यूक्लियर वॉरहेड का इसमें इजाफा हुआ है चाइना में। और वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी पहले 130 था, 130 से 140 के बीच था 2019 में, जो कि बढ़कर 150 हो गया है अभी 2020 में। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में पिछले साल 2019 में भी 160 थे और इस साल भी 160 है, बट 160 अभी भी इंडिया से बहुत ज़्यादा है और चाइना तो लगभग डबल ही है इंडिया से ज़्यादा। तो मतलब इंडिया के पास अभी उसके नेबरहुड के हिसाब से पाकिस्तान और चाइना को देखा जाए तो उसके पास कम है, इंडिया के पास अभी न्यूक्लियर वॉरहेड कम है। चलिए हम अगला देखते हैं। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये एक समरी है। तो अभी तक 9 देशों के पास जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड है, जिसमें से ये देखिए रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल एंड नॉर्थ कोरिया, इन 9 देशों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। तो जो रशिया और यूएस है उन लोगों ने तो अपना वॉरहेड जो है या न्यूक्लियर वेपन से वो बहुत ज़्यादा डिसआर्मामेंट किया है उनका, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किए हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, ताकि देश में जो ग्लोबली जो न्यूक्लियर वेपन्स का काउंट है वो कम हो सके। इनकी एक ट्रीटी थी, उस ट्रीटी का नाम था स्टार्ट, उसके थ्रू इन्हें इन लोगों ने इन्हें कम किया है, जो न्यूक्लियर वेपन्स उनका संख्या कम की है। और बाकी देखिए चाइना के 30 बढ़े हैं, यूके के 15 बढ़े हैं, पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आया है, और इंडिया के 10 बढ़े हैं और नॉर्थ कोरिया के भी 10 बढ़े हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जो पिछले ईयर के कंपेरिजन में 2019 के कंपेरिजन में 2020 में डिक्रीज हुआ है इन वॉरहेड्स में। चलिए हम देखते हैं ग्लोबल सिनेरियो के बारे में। तो अभी हमने डिस्कस किया था जैसे तो यूएस, रशिया, यूके 9 कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ओवरऑल डिक्रीज हुआ है। तो देखिए 2019 में कितना था, 13,865 न्यूक्लियर वेपन्स थे, बट अब कितने हैं 2020 में, तो वो थे 13,400 न्यूक्लियर वॉरहेड थे। वहीं देखिए जो डिक्रीज हुआ है, ये जो डिक्रीज हुआ है 400 समथिंग जो न्यूक्लियर वेपन से वो कम हुए हैं पिछले साल के कंपेरिजन में, तो वो 90% तो यूएस और रशिया के ही कम हुए हैं, जैसा अभी हमने देखा था यहाँ पे। तो देखिए यूएस के कितने हुए हैं, 385 माइनस हुए हैं, और जो रशिया है उसके 125 कम हुए हैं। तो 90% जो वॉरहेड थे वो इन्हीं के कारण कम हुए हैं। क्योंकि किस कारण से कम हुए, तो ये एक स्टार्ट ट्रीटी थी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म एंड रिडक्शन ट्रीटी। तो ये जो ट्रीटी है ये चलेगी 2021 तक, 2021 तक ये चलनी है। इसके बाद अगर इन लोगों ने ट्रीटी को कंटिन्यू नहीं किया या नई ट्रीटी नहीं लाई तो वापस से ये बढ़ा सकते हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स। इसके चलते अभी ये क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स। तो देखिए अब हम सिप्री के बारे में पढ़ लेते हैं, जो इस रिपोर्ट को या जो इस असेसमेंट को जारी करता है। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि स्टॉकहोम बेस्ड एक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जो कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1966 में हुआ था, और ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो आर्मामेंट्स है यानी कि जो वेपन्स है या आर्म्स कंट्रोल है या डिसआर्मामेंट है उनसे ही डील करता है या उनके बारे में ही इसमें रिसर्च की जाती है। और सिप्री जो क्या करता है, वो एक रिकमेंडेशंस भी देता है अदर गवर्नमेंट्स को, कंट्रीज़ की जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनको रिकमेंडेशंस भी देता है, उनको डाटा भी प्रोवाइड करवाता है, उनको एनालिसिस भी प्रोवाइड करवाता है हर एक आर्मामेंट्स या फिर किसी भी इन सभी टॉपिक के बारे में। तो ये था सिप्री के बारे में। चलिए हम अगला देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जो कि रिलीज़ की है अंकटेड ने, का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसने क्या किया है, अभी अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो हम चलिए उसके बारे में देखते हैं हम सबसे पहले। तो कब हुई है ये, 16 जून को अभी अभी लॉन्च किया है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, यानी कि अंकटेड ने। तो इस रिपोर्ट में क्या दिया गया है, तो देखिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 9th लार्जेस्ट FDI रिसिपियंट कंट्री है। मतलब जो ग्लोबली देखा जाए तो
इंडिया 9वीं ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई आ रही है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर से लोग निवेश कर रहे हैं इंडिया में। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अंकटेट के बारे में हम देख लेते हैं, फिर हम इसकी फाइंडिंग्स देखेंगे। तो अंकटेट के बारे में ऐसा है कि इसका फॉर्मेशन 1964 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और ये एक बॉडी है जो कि कहाँ से एस्टेब्लिश हुई थी, तो ये हुई थी यूएन जनरल असेंबली के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये यूनियन सेक्रेटेरिएट का ही एक पार्ट है। अगला हमें क्या याद रखना है कि देखिए जो इसकी रिपोर्ट्स हैं वो जो अंकटेट है वो रिपोर्ट किसको किसको करता है, तो वो एक यूएन जनरल असेंबली को करता है और इकोसोक को करता है। इसका मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को भी करता है यूएन इकोसोक। अगला देखते हैं, और ये किसका भी पार्ट है, ये पार्ट है यूनाइटेड डेवलपमेंट ग्रुप का भी, ये एक पार्ट है अंकटेट। अंकटेट का फॉर्मेशन 1964 और किसने किया था, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि यूएनजीए ने किया था। चलिए हम अगला देखते हैं, इसके बाद क्या है। तो इसके बाद फाइंडिंग्स देखते हैं हम इस रिपोर्ट की, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो इंडिया के रिस्पेक्ट पे देखते हैं हम इसके, इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स थी इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले देखिए जो एफडीआई है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जो 2018 में यानी कि 2018 में जो 42 बिलियन यूएस डॉलर थी एफडीआई, वो इस साल यानी कि 2019 में कितनी आई है, 51 मिलियन यूएस डॉलर आई है। मतलब 9 बिलियन, सॉरी यहाँ पे बिलियन होगा, ये गलत हो गया यहाँ पे, ओके। तो ये 51 बिलियन डॉलर आई है 2019 में। कितना इजाफा हुआ है, तो देखिए 9 बिलियन डॉलर का इम्प्रूवमेंट हुआ है या इजाफा हुआ है एफडीआई में इंडिया के अंदर। तो इसी के साथ जो एशिया है, एशिया में इंडिया एफडीआई के रिस्पेक्ट में टॉप 5 में आ गई है, वर्ल्ड में 9th पर है और एशिया में टॉप 5 में आ गई है। तो देखिए कितना आया, अभी 2020 की बात की जाए, इस रिपोर्ट में 2020 के भी बारे में बताया, तो अभी अगर 2020 की बात की जाए तो फर्स्ट क्वार्टर में 2020 में इंडिया को कितनी एफडीआई आई है, 650 मिलियन यूएस डॉलर आई है। अभी अभी जो 2020 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, तो मतलब जो पहले 3 महीने हैं, तो उसमें कितने एफडीआई आई है, 650 मिलियन यूएस डॉलर एफडीआई आ गई है या आ चुकी है इंडिया के अंदर। और जो जिसमें से मेजोरिटी किस कहाँ से आई है, किस सेक्टर से आई, तो वो डिजिटल सेक्टर से आई है। आपने बहुत सारी डील्स देखी होंगी, अभी रिलायंस जियो की बहुत सारी डील्स हो रही हैं अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज से हो रही है। तो ये उसी के कारण है इतनी एफडीआई इंक्रीज, ऐसे ही डिजिटल सेक्टर्स के कारण है, डिजिटल सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है एफडीआई की। चलिए हम ग्लोबली देख लेते हैं, ग्लोबली क्या हुआ है। तो ग्लोबली जो है वो एफडीआई डिक्रीज हुई है, ये आपको दिख रहा होगा 40% डिक्रीज होगी 2020 में, 40% डिक्रीज होगी 2020 में एज कम्पेयर टू 2019। क्यों? क्योंकि जो अभी COVID-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है उससे क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं कर रही है उतना ज़्यादा, तो इसलिए क्या 40% नुकसान होने वाला है। अगला देखते हैं हम, तो देखिए अगला क्या है कि 2005 के बाद अभी 2020 यानी 2020 ही सिर्फ ऐसा जो एक ईयर है जब जो एफडीआई है, ग्लोबल एफडीआई है, वो टोटल 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्क से कम रहेगी, 1 ट्रिलियन से कम एफडीआई आएगी ग्लोबली। तो ये 2005 के बाद से पहली बार है। क्यों हो रहा है? क्योंकि COVID-19 पेंडेमिक जो अभी चल रहा है। देखिए जो एशिया है, एशिया की बात की जाए, तो एशिया में भी 2020 में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने मिलेगा, 45% जो है वो डिक्लाइन देखने मिलेगा एफडीआई में। बट जो 2019 है उसमें एशिया, साउथ एशिया का जो इंक्रीज है वो 10% रहा है। और ज़्यादातर जो साउथ एशिया का जो इंक्रीज है वो किस कारण से रहा है, तो इंडिया की ग्रोथ के कारण रहा है, क्योंकि इंडिया में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। अभी हमने देखा था 9 बिलियन यूएस डॉलर इंक्रीज हुआ था एफडीआई, तो इसीलिए इंडिया के कारण ही साउथ एशिया में भी 10% लगभग हुआ है, मतलब इसमें मेजोरिटी स्टेक इंडिया का है। चलिए हम अगले न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए ये कब मनाया जाता है, तो ये 17 जून को मनाया जाता है हर साल, जिसका नाम है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, का मतलब है कि डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट से लड़ने के लिए दिन, तो वो कब मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी वो देख लेते हैं, फूड फीड एंड फाइबर, ये इसकी थीम थी, फूड फीड एंड फाइबर। ये कब से शुरू हुआ, तो ये 1995 से शुरू हुआ था, यूनाइटेड नेशंस ने इसे शुरू किया था। ये किस लिए मनाया जाता है, तो ये 17 जून में ही किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को भी ड्राफ्ट किया गया था इसी दिन,
इसलिए इस दिन क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। और ये जो डेजर्टिफिकेशन है वो एसडीजी गोल्स में भी है, एसडीजी गोल नंबर 15 में आता है ये, क्या डेजर्टिफिकेशन का के ऊपर जो गोल है एसडीजी का यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो एसडीजी 15 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है, जिसका एम क्या है, टू हाल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है या जो डेजर्टिफिकेशन आ रहा है या ड्रॉट आ रहा है उसको रिवर्स करना, तो ये क्या है एसडीजी 15 में आता है। ये आपको क्या क्या याद रखना है तो इसमें से, तो देखिए एक तो 17 जून को मनाया जाता है ये याद रखना है। इस बार की थीम क्या थी 2020 की, तो फूड फीड एंड फाइबर ये थीम थी, ये याद रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है कि ये किस लिए बनाया जाता है और कब से शुरू हुआ, तो ये 1995 से शुरू हुआ है और किस लिए बनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसी दिन ड्राफ्ट किया गया था। और एसडीजी में कौन सा गोल है डेजर्टिफिकेशन के लिए, तो वो 15 है। चलिए हम अगला देखते हैं, ये देखिए आपको दिख रही होगी इमेज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के ऊपर है, तो ये था वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। चलिए हम अगली न्यूज़ देखते हैं, तो देखिए अब इसमें कुछ न्यूज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास तालमंडले, तो ये एक आर्ट है, एक आर्ट फॉर्म है जो कि साउथ में बहुत फेमस है, कर्नाटका और केरला के रीजन में ये बहुत फेमस है। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ लोग बैठकर डिबेट करते हैं और डायलॉग्स करते हैं या डिबेट करते हैं गानों और बजाने के साथ, बट इसमें क्या यूज़ नहीं होता है, कॉस्ट्यूम का यूज़ नहीं होता या डांस का यूज़ नहीं होता या स्टेजेस नहीं होते हैं। ये आपको मेन याद रखना है, इसमें डांस नहीं होता है, कॉस्ट्यूम नहीं होता है और स्टेज नहीं होता है। कर्नाटका और केरला में एक और ऐसे ही सेम आर्ट फॉर्म है जिसमें डिबेट और डायलॉग वगैरह होता है, उसका नाम है यक्षगान, सुना होगा आपने यक्षगान, बट वो इससे अंतर क्या है उसमें और इसमें, तो उसमें जो है यक्षगान जो है उसमें डांस होता है या कॉस्ट्यूम्स का यूज़ होता है, बट इसमें कॉस्ट्यूम्स का यूज़ नहीं होता है। तालमंडले ये आपको याद रखना है, तालमंडले एक केरला और कर्नाटका का आर्ट फॉर्म है जिसमें डांस, कॉस्ट्यूम या स्टेज नहीं होता है, और ये किस लिए होता है, तो ये डिबेट है, डायलॉग के लिए होता है। तो चलिए हम अगला देखते हैं, तो अगला है अगला क्या है न्यूज़ है, तो मेगालोडॉन बाइकेशियन के, ये क्या है, एक स्पीशी है जो कि अभी अभी फाउंड हुई है, इसके फॉसिल्स मिले हैं इस स्पीशीज के, तो ये कहाँ से मिले हैं, तो ये चाइल और अर्जेंटीना से मिले हैं, ये मैमल की स्पीशी है, ये जो है ये मैमल की स्पीशी है जो चाइल और अर्जेंटीना से मिले हैं, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये सबसे पुराना मैमल है जो अभी तक चाइल में डिस्कवर हुआ है, तो जो चाइल से जो भी फॉसिल्स मिले हैं मैमल्स के उनमें से सबसे पुराना है ये वाला, तो इसका नाम क्या है, मेगालोडॉन बाइकेशियन, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। और ये किसके लीनियज का है, तो ये है गोंडवाना थेरिया के लीनियज का है ये मैमल। चलिए हम अगला देखते हैं, तो अगला है हमारे पास शरावती मंकी पार्क के बारे में, तो ये मंकी पार्क अभी डिसाइड किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको एस्टेब्लिश करने की, एक मंकी पार्क एस्टेब्लिश करने की जो कि स्टेट में पहला होगा। और ये किस एरिया में रहेगा, तो देखिए ये एक आइलैंड है, कौन सी रिवर पे, तो शरावती जो बैक वाटर है वहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पर इसे डेवलप किया जाएगा या उसे बनाया जाएगा, जो कि शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये पहला ऐसा है स्टेट में मंकी पार्क, ये आपको याद रखना है, शरावती मंकी पार्क कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है इसको बनाने के लिए शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। चलिए हम अगला देखते हैं, तो अगला है हमारे पास मलाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग के बारे में, मलाबार के अंदर जो ग्लाइडिंग फ्रॉग है उसके बारे में ये न्यूज़ है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं, तो मलाबार जो ग्लाइडिंग फ्रॉग है वो एक एम्फीबियन है, मतलब पानी और ज़मीन दोनों में रह सकता है, इसका ये साइंटिफिक नेम है रेकोफोरस मेलेबिरिकस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये केरला में पाया जाता है और ये एक एंडेमिक स्पीशी है वेस्टर्न घाट की, ये जो फ्रॉग है, फ्रॉग की स्पीशी है वो एंडेमिक है, मतलब कि ये सिर्फ यहीं पाई जाती है, वेस्टर्न घाट में ही बस पाई जाती है मलाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग, ये ग्रीन कलर का होता है और IUCN में ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो केरला या फिर वेस्टर्न घाट्स में, एक एम्फीबियन है और IUCN रेड लिस्ट में, इसमें ये कौन सी कैटेगरी में है, तो ये है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, इसकी एक बार फोटो देख लीजिए आप, ये इस टाइप का दिखता है, ये देखिए आपको मलाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग है। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही था, हमने क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं हम एक बार फिर से। देखिए सबसे पहली न्यूज़ हमने पढ़ी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, क्योंकि इंडिया ने अभी अभी ज्वाइन किया है एज अ फाउंडिंग मेंबर। अगला हमने पढ़ा द ईयरबुक एसेसेस द करंट स्टेट ऑफ आर्ममेंट्स डिसआर्ममेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सिप्री के द्वारा ये असेसमेंट रिपोर्ट आई है वो हमने डिस्कस किया।
जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में बताया कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। फिर हमने डिस्कस किया है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में, जो कि किसने किया है रिलीज, वो किया है UNCTAD ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने इसे रिलीज किया। फिर हमने उसके बाद देखा क्या, के बाद हमने देखा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, जो कि 17 जून को मनाया जाता है और किस कारण से मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन उसी दिन ड्राफ्ट किया गया। अगला हमने देखा फिर उसके बाद तलमडले, ये एक आर्ट फॉर्म है, कहाँ का, कर्नाटका केरला का। फिर हमने देखा मैगेलेनोडोन बाइकेशकेंग, तो ये क्या है, एक स्पीशी है गोंडवाना थेरिया की लीनियस से जो बिलोंग करती है, जो कि ओल्डेस्ट मैमल है चाइल्ड में। अगला हमने देखा शरावती मंकी पार्क, जो कि कर्नाटका में बनेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में, ये ऐसा पहला मंकी पार्क है जो कर्नाटका में बनने वाला है। अगला है क्या, मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग के बारे में हमने देखा, जो कि एक एम्फीबियन है और बहुत ही रेयर स्पीशी है, इस रेयर स्पीशी है किसी भी फ्रॉग की, जो कि IUCN में कौन सी कैटेगरी में दिया गया है, तो ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में इसे रखा गया है, और एंडेमिक है कहाँ पर, तो वेस्टर्न घाट पर, आपको ये मेन याद रखना है, वेस्टर्न घाट पर। चलिए गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और इस लेक्चर की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GSN पर मिल जाएगी, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।